पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने निकाली नीतीश के पुलिस की हैंकड़ी। भरी कोर्ट में कहा भूमाफियाओं का एजेंट। दरोगा जी से जज साहब ने पूछा बुलडोजर चलाने के लिए कितनी ली थी रिश्वत, अब अपने खर्चे पर बनवाना होगा नया मकान। बुलडोजर के सहारे योगी मॉडल दिखा रहे थे नीतीश पर जज साहब ने कह दिया आपके अधिकारी ही बेईमान हैं। ये है पटना हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार, जिन्हें एक महिला की याचिका पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने बिहार पुलिस को भूमाफियाओं का एजेंट तक कह दिया। पहले आप इनका वीडियो देखिए, आपको पूरी बात बताते हैं। वीडियो में जज साहब ये कह रहे हैं कि क्या यहाँ भी बुलडोजर चलने लगा, ऐसा कौन सा पावरफुल आदमी है जो आप बुलडोजर लेके तोड़ दिया इसका घर। हु डू यू रिप्रेजेंट द स्टेट और सम प्राइवेट पर्सन। तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। भूमि विवादों को चिन्हित कर थाना को ही पावर दे दिया गया है क्या? आपका समस्या है तो चले जाइए थाना, पैसा दे दीजिए और घर तोड़वा देंगे किसी का। कोर्ट को तब बंद कर दीजिए। सिविल कोर्ट के जज साहब ने ये बातें याचिकाकर्ता सहयोगा देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 नवंबर को कही हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला ने अपनी याचिका में लिखा था कि 15 अक्टूबर को प्रशासन ने भूमाफियाओं से मिली भगत कर उनका मकान गिरवा दिया। जज साहब ने जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनी तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ अधिकारी भूमाफियाओं के साथ मिलकर ऐसा खेल खेल रहे हैं, जिसके बाद तो जज साहब ने गुस्से में कई सारी बातें कही और आखिर में याचिकाकर्ता को यह आश्वासन दिया कि हम आपको मुआवजा दिलवाएंगे। जज साहब ने कहा 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको घर तोड़ने का मुआवजा, वो भी पर्सनल पॉकेट से। जनता दरबार और पुलिस और सीओ मिलकर घर तोड़वा रहा है घूस लेकर। जज साहब ने भले ही ये बातें एक मुकदमे के सिलसिले में कही है, लेकिन कहते हैं जजों की टिप्पणी का एक बड़ा संकेत होता है। जब से बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार बनी है, क्राइम का ग्राफ बढ़ गया। ये ताजा तरीन आंकड़े बताते हैं फर्जी मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तभी तो जज साहब को ये तक कहना पड़ा कि और दो अपराधियों को वोट। अब अपराधी उन्होंने किसे लेकर कहा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन लोग इसे आरजेडी से जोड़कर देख रहे हैं। यूपी में जब किसी के घर पर बुलडोजर चलता है तो अदालत नहीं जाता बल्कि खुद ही घर खाली कर देता है। कुछ लोग तो खुद ही बुलडोजर चलाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में ठीक इसके उल्टा हो रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है? हमने पड़ताल की तो कुछ बड़ी बातें पता चली। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर योगी आदित्यनाथ खुद नजर रखते हैं, वो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते, जबकि बिहार में बुलडोजर की कार्रवाई के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। सिर्फ गरीब ही निशाना बन रहे हैं। यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, उसमें कई बड़े नाम हैं। बिहार में गिने चुने लोग बड़े नाम हैं जो बुलडोजर के नाम पर उगाही का खेल पटना ही नहीं बल्कि कई जिलों में खेल रहे हैं, जिससे लोग तंग हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी में बुलडोजर की सारी कार्रवाइयां बिल्कुल सही हैं, कुछ गलत कार्रवाइयां भी हुई होंगी। हो सकता है कुछ अधिकारी यहां भी बिहार की तरह ही रह रहे हों, जिनके खिलाफ आप अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं या फिर सीधा सीएम योगी से शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि हर राज्य में कुछ ईमानदार तो कुछ बेईमान अधिकारी होते हैं। बीते साल पटना हाईकोर्ट में बतौर जस्टिस ज्वाइन करने वाले संदीप कुमार जैसे भी काफी कम ही होते हैं जो सरकार के खिलाफ इतनी बेबाकी से फैसला सुनाने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। संदीप कुमार के इस फैसले पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बिहार पुलिस की इस भ्रष्टाचार खोलती रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।